उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी में हुए ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुआ एक राइफल, 2 अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने बताया है कि घटना का मुख्य सूत्रधार जयकरण सिंह यादव, अमर सिंह और सुरेश सिंह है। पट्टे की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से इन लोगों ने विपक्षियों को शामिल कर योजनाबद्ध तरीके से तीनों की हत्या कर दी थी। मृतक के बेटे सुभाष ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। SP ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि ग्राम मोहिउद्दीनपुर गौस में पांडा चौराहे के पास ग्राम समाज की लगभग 56 बीघा जमीन है। इसमें कुछ ग्रामीणों को पट्टा स्वीकृत हुआ था, जिसमें कुछ पट्टा धारक काबिज हो गए थे, कुछ काबिज नहीं हो पाए थे, जिनके द्वारा अपने पट्टे की भूमि अन्य लोगों को बेच दी गई थी। मृतक शिव शरण मृतक होरी लाल के दामाद थे। शिव शरण एक पट्टे धारक से एग्रीमेंट करवा कर पांडा चौराहे की भूमि पर छप्पर डालकर रहने लगे थे। जमीन के आसपास ITI कॉलेज बन जाने से वहां पर हाईवे निकला और हाईवे बन जाने के बाद उस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई थी। इसके लालच में आरोपी वह जमीन को कब्जा करने चाहते थे। विरोधियों और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर घटना की योजना बनाकर असलाहों की व्यवस्था की योजनाबद्ध तरीके से जयकरण सिंह यादव, गुड्डू यादव, अरविंद सिंह यादव, अजीत यादव, अमर सिंह, अमित सिंह, अनुज सिंह, तीरथ निषाद, राजेंद्र सिंह ने शिव शरण के दरवाजे पर जाकर तीनों लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार है। जल्द उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। देखिए, दिनांक 15/9/2023 को प्रातः 5:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना संदीपन घाट क्षेत्र के ग्राम मोहिउद्दीनपुर गौस में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटना के अनावरण के लिए स्थानीय थाने की टीम के अलावा सर्विलांस और स्वाट टीम के इंचार्ज को भी लगाया गया था। इन लोगों ने ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक घटना में प्रयुक्त एक 315 बोर की राइफल के अतिरिक्त 2 315 बोर के कट्टे और काफी संख्या में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। जो मूल FIR हुई थी उसमें 8 नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त 3 नाम और प्रकाश में आए हैं, जयकरण यादव और तीरथ निषाद और अनूप सिंह का। जो घटना का मोटिव ज्ञात किया गया, जो जानकारी की गई, उसके अनुसार मोहिउद्दीनपुर गौस में जो पंडा चौराहा है उसके सामने ITI कॉलेज बन जाने से और हाईवे प्रस्तावित हो जाने से वहाँ की जमीन काफ़ी बढ़ गई थी। सुसरन पासी जो वहाँ एक पट्टे की जमीन को एग्रीमेंट करा करके वहाँ रह रहे थे, उस जमीन से वो जो अभियुक्त पक्ष है वहाँ से उन्हें हटाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि वहाँ आवासित रहते थे और वो उनके रिश्तेदार, उनके बिरादरी के लोग भी वहाँ रहते थे, जो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जो घटना के 3 मुख्य सूत्रधार हैं, जयकरण यादव, सुरेश सिंह और अमर सिंह, इन लोगों ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर घटना की योजना बनाया और घटना वाले दिन सुसरन के घर पे जाकर वहाँ सुसरन, उसकी पत्नी ब्रिजकली और उसके ससुर कोरीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों को आज न्यायिक अभिरीक्षा में रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। जो मूल अभियोग है उसमें 120B IPC की बढ़ोतरी करते हुए धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तगणों द्वारा कारित जघन्य अपराध के दृष्टिगत इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और NSA के अंतर्गत भी कठोरतम कार्रवाई करेंगे। जवान भी उसमें पकड़ा गया है, उसका क्या मामला है? ये जो सुरेश सिंह है ये PAC में कांस्टेबल है और ये मुख्य सूत्रधारों में से एक है।